हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STS में। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के एक नेता ने NRC पर अपना बयान दिया है कि बांग्लादेशी वापस ना जाए तो उन्हें गोली मार दो। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का दूसरा ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की मांग उठी है। इसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक रूप से उठा रही है। NRC मामले पर तेज राजनीति के बीच हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह का एक भड़काऊ भाषण सामने आया है। राजा सिंह ने कहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी अपने देश वापस नहीं लौट रहे उन्हें गोली मार देनी चाहिए। आपको बता दें कि राजा सिंह हैदराबाद की गोश महल विधानसभा से विधायक है। राजा सिंह से पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो असम की तरह ही बंगाल में भी NRC को लागू करेंगे। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में करीब 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अब काफ़ी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। घोष ने कहा कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी इस मामले पर राजनीति कर रही है। सन 1971 में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने घुसपैठ की थी क्योंकि ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक की चिंता थी, इसलिए वह NRC का विरोध कर रही है। बता दें कि असम में बहुपक्षीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का अंतिम मसौदा सोमवार को जारी किया गया है। असम देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां NRC जारी किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.89 करोड़ लोगों का नाम है, जबकि करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि NRC असम क्या है। नंबर एक, NRC का पूरा रूप नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है। NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल है। नंबर दो, वर्तमान में असम में NRC को अपडेट किया जा रहा है। असम में NRC अपडेट को नियंत्रण करने वाले प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 में दिए गए हैं। नंबर तीन, NRC उद्गम के लिए प्रारूप को संयुक्त रूप से असम सरकार और भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। नंबर चार, असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1979 से 6 साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1985 को केंद्र की राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच असम समझौता हुआ था। नंबर पाँच, उसी समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में NRC को अपडेट करने का काम चल रहा है। असम समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा, चाहे वह हिंदू हो या फिर वह मुसलमान हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।